11th क्लास की पोएट्री की थर्ड पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर में। तो आज हमें पढ़ना है एजुकेशन ऑफ नेचर का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी समरी बताई थी और आज के लेक्चर में हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर। सो स्टूडेंट्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोएम लेंदी है, 7 स्टेंजास हैं इसमें 6 लाइन के, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट स्टेंजा इज 3 इयर्स सी ग्रीव इन सन एंड शावर, देन नेचर सेड आ लवलियर फ्लावर, ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own। तो इस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन जो है, 3 years she grew in sun and shower। तो पोएट कहता है कि 3 years, 3 वर्ष तक सी यहाँ पर लूसी के लिए यूज़ किया गया है, और grew पली बड़ी हुई, sun and shower इन है ओपन स्पेस ऑफ नेचर। मतलब पोएट कहता है कि लूसी 3 साल तक प्रकृति के खुले वातावरण में पली बड़ी, देन नेचर सैड, और फिर जब नेचर ने उसे देखा, प्रकृति ने उसे देखा, तो कहा आ लवलियर फ्लावर, इतना प्यारा फूल, ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुआ। दिस चाइल्ड, ये जो बालिका है, I to myself will take, मैं इसे अपने साथ स्वयं ले जाऊंगी, इस बालिका को मैं अपने साथ स्वयं ले जाऊंगी, She shall be mine, यह मेरी बालिका होगी, and I will make a lady of my own, और जब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, तो I will make, मैं बनाऊंगी a lady of my own, अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग, अपने आदर्श के अनुसार लूसी को एक सुंदर, एक बहुत ही आदर्श बालिका बनाऊंगी। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि 3 साल तक लूसी प्रकृति के खुले वातावरण में पैदा हुई, उसके बाद प्रकृति ने जब उसे देखा तो उसने पाया कि ये तो बहुत ही सुंदर है, शायद पृथ्वी पर इससे पहले से सुंदर कोई बालिका पैदा नहीं हुई। तो वो कहती है कि दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बालिका को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, सी सेल बी माइन, यह मेरी बालिका बनेगी, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई आउन, और मैं इसे अपने प्रकार से, अपने आदर्श के अनुसार एक आदर्श महिला बनाऊंगी। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा में प्रकृति उसे लूसी को अपना लेती है, अपनी बालिका बनाती है। सेकेंड स्टेंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी both law and impulse and with me, the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glad and bower, self heal and overseeing power to kindle or restrain। तो इस तरह से सेकेंड स्टेंजा है, जिसकी फर्स्ट लाइन है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी। तो प्रकृति कहती है, अब यहाँ पर पूरे प्रकृति के स्टेंजाज हैं यहाँ पर, तो प्रकृति कहती है कि वह मेरी डार्लिंग, प्रिय बालिका बनेगी, वह मेरी बहुत ही प्यारी बालिका बनेगी, बोथ लॉ एंड इम्पल्सेस। तो दोनों में, लॉ एंड इम्पल्सेस का मतलब प्रकृति के नियम जो लॉज हैं, एंड इम्पल्सेस भावनाएं, फीलिंग्स, प्रकृति के अनुसार वह प्राप्त करेगी, और द गर्ल, वह बालिका इन रॉक एंड प्लेन, रॉक चट्टानों में, प्लेन समतल मैदानों में, इन अर्थ एंड हेवन पृथ्वी पर और आसमान में, हर जगह, इन ग्लैड एंड बोवर, ग्लैड खुले मैदान में, बोवर झुरमुटों में, हर जगह मेरे साथ जाएगी, और सेल्फ हील एंड ओवरसीइंग पावर, और महसूस करेगी ओवरसीइंग पावर, प्रकृति की अदृश्य शक्ति, प्रकृति की अदृश्य शक्ति को महसूस करेगी, जो काइंडल और रेस्ट्रेन, जो क्या करती है, सभी को काइंडल प्रेरित करती है, और रेस्ट्रेन नियंत्रित करती है, पूरी प्रकृति को जो नियंत्रित करती है, उस शक्ति को वह महसूस करेगी।
तो इस तरह से प्रकृति कहती है कि वह मेरी बहुत ही प्यारी बालिका बनेगी, मैं उसे हर स्थान पर हर जगह ले जाऊंगी, मैं उसे पर्वत पर खुल और समतल मैदानों में, पृथ्वी पर, आसमान में, खुले मैदानों में, झुरमुटों में, हर जगह ले जाऊंगी और हर जगह वो प्रकृति की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करेगी जो पूरी प्रकृति को नियंत्रित करती है और प्रेरित करती है, और उससे वह जो सीखेगी उससे वह नैतिक नियम और अच्छी भावनाएं प्राप्त करेगी। तो ये सेकंड स्टैंजा हुआ। जो थर्ड स्टैंजा है, सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स एंड हर्स सेल बी द ब्रीथिंग बाम एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। तो ये थर्ड स्टैंजा है जिसमें फर्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि सी सेल बी स्पोर्टिव, सी लूसी कैसी होगी, स्पोर्टिव फुर्तीली बनेगी एज द फॉन हिरन के बच्चे की तरह, जैसे हिरन का बच्चा विद ग्ली अक्रॉस द लॉन जो प्रसन्नता से चारागाह में उछलता कूदता फिरता है, ऐसे ही लूसी भी फुर्तीली रहेगी और चंचल हिरन की तरह खुले मैदानों पर्वतों में घूमेगी और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग पर्वत श्रृंखलाओं पर घूमेगी एंड हर्स सेल बी द ब्रीथिंग बाम और जो वो अनुभव करेगी, महसूस करेगी, जो शक्ति वहाँ पर वो महसूस करेगी वह कैसी होगी, उसकी होगी एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम और जो शांति और सन्नाटा वो वहाँ पर महसूस करेगी वह उसकी होगी, मतलब उससे जो शक्ति प्राप्त होगी वह उसे प्राप्त मिलेगी ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, किससे, उन शांत इनसेंसेट निर्जीव वस्तुओं से, उस स्वरहीन और निर्जीव वस्तुओं की शांति लूसी को प्राप्त होगी। तो वायु तथा प्रकृति की शक्तिदायक मधुरता, जंगल का जो स्वरहीन और निर्जीव वस्तुओं की जो शांति है वह सब लूसी को प्राप्त होगी, मतलब प्रकृति की गोद में वह पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का आनंद लेगी। तो इस तरह से थर्ड स्टैंजा में बताया है कि जब प्रकृति की गोद में लूसी रहेगी तो वह प्रकृति के हर एस्पेक्ट का आनंद लेगी, हर तत्व से, हर एलिमेंट से वह कुछ ना कुछ सीखेगी। तो यहाँ पर प्रकृति की हर वस्तु से वह जो स्वरहीन शांति है और जो निर्जीव वस्तुओं की शांति है, प्रकृति की मधुरता है, वह प्राप्त करेगी। इसके बाद जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें बताया जा रहा है कि लूसी किससे क्या सीखेगी। तो फोर्थ स्टैंजा जो है इसका, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सेल लैंड टू हर फॉर हर द विलो बैंड नॉर सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट सेल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। तो कह रहे हैं कि फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, देयर स्टेट सेल लैंड, अपने शाही तरीके से चलना सिखाएंगे टू हर उसको, तैरते हुए बादल लूसी को शाही ढंग से चलना सिखाएंगे, फॉर हर द बिलो बैंड और उसे बिलो के वृक्ष, बैंड मीन्स होता है झुकना, बिलो के वृक्ष जिसकी टहनियाँ झुकी हुई सी होती हैं। तो कवि कहता है कि जब लूसी प्रकृति के संरक्षण में रहेगी और बिलो के वृक्ष को देखेगी तो उनसे वह विनम्रता सीखेगी। नॉर सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म और जब वह स्टॉर्म को देखेगी, तूफान के मोशन को देखेगी, गति को देखेगी तो उसे देखने में कभी नहीं डरेगी कि डर जाए उससे, वह उसे देखेगी और ग्रेस और उस शोभा को प्राप्त करेगी दैट सेल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, उस शोभा को प्राप्त करेगी जो शांत सहानुभूति के द्वारा उसको लूसी को एक मैडन फॉर्म प्रदान करेगा, एक स्त्री का रूप प्रदान करेगा, एक मतलब मैडन होता है कुंवारी, एक कुंवारी लड़की, एक युवा लड़की का जो चार्म होता है, आकर्षण होता है, उस आकर्षण को प्रदान करेगी। तो इस तरह से लूसी प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखेगी। तो इस स्टैंजा में बताया है कि तैरते हुए बादल लूसी को विनम्रता से चलना सिखाएंगे, विलो की वृक्ष
उसे विनम्रता सिखाएंगे और तूफान की गति उसके चेहरे पर एक शोभा प्रदान करेगी। तो इसी तरह से और नेक्स्ट स्टैंजा भी है जिसमें वह तारों से कुछ सीखेगी, नदियों की आवाज़ से कुछ सीखेगी। तो हम आगे के 3 स्टैंजास नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये जो 4 स्टैंजास हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इसको जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है तो आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।